फरुखाबाद में देर शाम एक भीषण सड़क हादसा हो गया। दरअसल दिल्ली जा रही फरुखाबाद डिपो की रोडवेज बस हजियापुर गांव के सामने टेम्पो से भिड़ंत के बाद सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि बस के परखच्चे उड़ गए और टेम्पो भी क्षतिग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में बस के चालक सहित दर्जनों यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें टेम्पो सवार लोग भी शामिल हैं। वहीं हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। आनंद फानंद में मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को बस से निकालकर लोहिया अस्पताल भेजा, जहां उनका इलाज जारी है। तेजी से गाड़ी चला रहा था, आगे से ऑटो आ गया, इसने कटाई और इसने पेड़ में जट गई। कितनी सवारियां थी? 40 सवारी थी। चोट किसके किसके लगी? चोट कई जनों के लगी है। आगे जितने लगे थे, आगे जितने बैठे थे सब लोगों के चोट लगे। गाड़ी आधी आधी हो गई है, उधर एक पर निकल हो गया, एक बांह कट गई है। एक बांह भी कट गई और दो के तो एक जांघ से कट गया है और एक पैर टूटा है। वहीं हादसे के बाद मौके पर पहुंचे डीएम ने घायलों का हालचाल लिया और उन्हें हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया। डीएम ने बताया कि 13 यात्री घायल हुए हैं और गंभीर रूप से घायल 3 मरीजों को सैफई मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। देखिए, एक गाड़ी हेरोजेज बस जो थी वो कायमगंज से दिल्ली की तरफ जा रही थी, तो रास्ते में टेम्पो को बचाने के चक्कर में वो पेड़ से टकराई। इस पे करीब 13 लोग घायल हुए हैं और 13 लोगों को यहाँ लाया गया था, 2 लोगों को रेफर कर दिया गया है, 11 लोगों का इलाज यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर जो भी सुविधाएँ हैं वो उनको दी जा रही हैं। इसमें अब किसी को यदि महसूस किया जाएगा कि रेफर करने की जरूरत होगी, हो सकता है 1 लोग और रेफर किया। आपको बता दें कि रोडवेज बस देर रात फरुखाबाद बस स्टेशन से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। इसी दौरान शमशाबाद क्षेत्र में गांव हाजियापुर के सामने एक टेम्पो से टकराने के बाद बस अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पेड़ में टकरा गई, जिससे बस का लगभग आधा हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरुखाबाद से दिलीप कटियार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।